वेलकम बैक गाइस, आई होप आप सब अच्छे हो गए। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैंने आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी। अगर आप पार्ट टाइम में वो 1 से 2 घंटा काम करके 1000 रुपीज़ पर डे के कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहता हूँ। ओके, तो चलिए डिटेल में देखेंगे। उससे पहले, चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे। गीक फॉर गीक की तरफ से एक कंपटीशन लॉन्च हुआ है, जहाँ पर अगर आप आर्टिकल लिखना पसंद करते हो, आर्टिकल आपको लिखना अच्छा लगता है, टेक का हो नॉन टेक का हो दोनों चलेगा। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि खाली टेक का ही होना चाहिए, नॉन टेक्निकल भी अगर आप लिखते हो आर्टिकल तब भी यहाँ पर आप पब्लिश कर सकते हो अपने आर्टिकल को। और हर एक आर्टिकल के, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, हर एक आर्टिकल के 1000 रुपीस हर एक आर्टिकल के आपको मिलेंगे। ओके, मगर टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको मिनिमम 5 आर्टिकल पब्लिश करना है। ओके, और साथ ही साथ जैसे कि ये, अगर आप आर्टिकल आपका बहुत अच्छा हुआ, लाइक तो आप टॉप 100 में आ जाते हो, तो आपको कुछ यहाँ पर लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, गुडीज और सो मेनी थिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री में वो भी। ओके, और यहाँ पर कुछ इवेंट की डिटेल है, जैसे कि यहाँ पर इवेंट की डिटेल काफ़ी पहले दी हुई थी। आपके पास अभी भी 1 वीक से ज़्यादा है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करके आप कैश प्राइज़ जीत सकते हो, और साथ ही साथ कुछ विन प्राइज़ भी है तो वो भी आप जीत सकते हो। तो यहाँ पर कुछ प्राइज़ है, जैसे मैंने बोल दिया ऑलरेडी, 1000 रुपीज़ पर आर्टिकल की मिलेगी, और अगर आप टॉप 100 में आ जाते हो तो आपको कुछ ये सारी चीज़ें विनिंग प्राइज़ है, तो आप ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है फ्री में वो भी। ओके, और यहाँ पर पार्टिसिपेट किस तरह से करेंगे बताया गया है, तो आपको सिंपल सा है, अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है, और मैं डैशबोर्ड बताऊँ आपको किस तरह से डैशबोर्ड दिखता है, कैसे आर्टिकल आपको पब्लिश करना है। ओके, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, जैसे एटलीस्ट मैंने ऑलरेडी बताया था, एटलीस्ट 5 आर्टिकल आपको लिखना है, पब्लिश करना है, और कैटेगरीज आपको कोई भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, टेक नॉन टेक दोनों चलेगा। और मिनिमम जैसे एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी यहाँ पर ऐसा कुछ कॉलेज स्टूडेंट हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर हो, जॉब कर रहे हो तब भी आप एलिजिबल इसमें हो, मिनिमम अगर आपको 5 आर्टिकल पब्लिश करना है तब जाके आप इस पार्ट कॉम्पिटिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, और कुछ नहीं, इतना सही है एलिजिबिलिटी। आप यहाँ पर FAQ भी आके पढ़ सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, और लॉगिन करने के बाद आपको ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है, एक्चुअली साइनिंग कर लेना है यहाँ से, मैंने जीमेल अकाउंट से साइनिंग किया है, तो यहाँ पर मुझे ऑलरेडी यहाँ पर डैशबोर्ड आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर आर्टिकल गाइडलाइंस दिया हुआ है कि आप किस तरह से आर्टिकल लिख सकते हो, और किस तरह से सारी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इन्होंने पूरा बताया हुआ है डिटेल में, कि किस तरह से आप आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हो, किस तरह से हैशटैग यूज़ कर सकते हो, किस तरह से सारे क्विक लिंक वगैरह है, इमेज वगैरह ऐड कर सकते हो, सारी चीज़ें कोड स्नैपेट कैसे ऐड कर सकते हो, सारी चीज़ें डिटेल में इन्होंने आर्टिकल में यहाँ पर दी हुई है। ओके, स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो आपको आर्टिकल समझ में आ जाएगा किस तरह से आर्टिकल आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पर इतना ही है। यहाँ पर पोस्ट में आप अपने न्यू पोस्ट जो भी मतलब आर्टिकल आप लिख रहे हो तो यहाँ पर आके ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट करके है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल अपना लिख सकते हो, यहाँ पर टाइटल अपना लिख सकते हो, यहाँ पर अपना सारी डिटेल में आर्टिकल लिख सकते हो कुछ भी, और यहाँ पर टैग वगैरह है, कैटेगरी कौन सा है, टैग कौन सा है, यहाँ पर टैग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आप डिटेल में लिख सकते हो। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो ये आप डिटेल में चेक कर लेना, अगर आपको इंटरेस्ट है आर्टिकल लिखने में तो आप इसको देख सकते हो। मिनिमम 5 आर्टिकल लिखना तो आपको 1000 रुपीज़ पर आर्टिकल के मिल जाएंगे, और अगर आपका आर्टिकल बहुत अच्छा हुआ तो आपको कुछ कैश प्राइज भी मिल सकते हैं। ओके, आज की वीडियो इतना ही है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लाता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।